बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज इतना वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए एलएलसी फाइंड करने का तरीक़ाकार पे कि एलएलसी फाइंड कैसे करते हैं। पहले आपको बताया था, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें था कि आपने बिज़नेस एंटिटी सर्च करके तो उसके बाद करना। लेकिन अब एक वेबसाइट और मिली है, फ्री वाली वेबसाइट है और कॉरपोरेशन के हिसाब से है, देखना ओपन कॉरपोरेट्स डॉट कॉम, ठीक है, ओपन कॉरपोरेट्स वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आप हर तरह की जो है कॉरपोरेशन या एलएलसीज, एलपी कंपनी, इन्वेस्टमेंट्स, इस तरह की भी कंपनीज जितनी भी हैं उनको सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। रिजल एलएलसी कंपनीज ऑल जुरिस्डिक्शंस, इसको हम सर्च करते हैं। ये देखें, फाउंड वन कंपनीज, एक कंपनी मिली है रिजल एलएलसी, टेक्सास यूएस की है। हमारे पास यहाँ वैसे भी उसका एड्रेस भी था ऑलरेडी, लेकिन अगर हम उसको नहीं भी कहते हैं एड्रेस को देखते तो हम इसको यहाँ से सर्च कर लेते हैं। एक्टिव है, ठीक है, ये डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स उसके आ रहे हैं। मोहसिन अंसारी है, रज़ी अहमद है, शायद मंसूर है, शायद रफ़ीक है, ठीक है। तो इसमें से आप किसी को उठा लें, ठीक है। इसका मैंने ये नेम उठाया है, ये आपको दिखा रहा हूँ, देखें शायद मंसूर, ठीक है, यहाँ से उठा लिया। उसके बाद इसका एड्रेस यहाँ पे है, ये देखें मेलिंग एड्रेस, कंपनी एड्रेस है, ये मेलिंग एड्रेस आ रहा है, ये इसका मेलिंग एड्रेस है। आप यहाँ से, अगर आपके पास शीट में नहीं है तो आप यहाँ से मेलिंग एड्रेस भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास इसका एड्रेस यहाँ पे मौजूद है, 6229, ठीक है, ये कंपनी का था, इसका चेंज हुआ हुआ एड्रेस, ठीक है। यानी कि मेलिंग एड्रेस भी आप यहाँ से उठाएँगे, देन आप वही जाएँगे ट्रू गूगल सर्च पर, वहाँ से इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपको मैं सेकंड वन जो है उसको सर्च करके दिखा देता हूँ, ये है मैफील्ड होल्डिंग्स लिमिटेड एलटीडी, ठीक है ना, लिमिटेड एलटीडी लिमिटेड क्या। अच्छा, अब यहाँ इसके काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स निकल आए। अब इस चीज़ का ख्याल करना कि हम कहाँ ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे हैं यूएसए की जो कंपनीज हैं, एलएलसीज हैं, ये लिमिटेड हैं, ठीक है। इसको स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल डाउन, ये हमारे पास ये और मुल्कों की, आयरलैंड की आ गई है या कहीं और की भी आ गई है, ये यहाँ ये आ गई मैफील्ड होल्डिंग्स लिमिटेड टेक्सास यूएस, यूएस की आ गई, पीछे उसका फ्लैग भी है। इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्टर ऑफिसर हमने कौन है, वाल्टर जी मैफील्ड, ठीक है, इसका हमने ये वाल्टर जी मैफील्ड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका जो है ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका पहले जो ओनर एड्रेस था, 1819 सेंट जेम्स स्ट्रीट, ये जेम्स प्लेस, ठीक है ना, यहाँ नीचे भी उसके मेलिंग में भी वही सेम आ रहा है, ठीक है। ये कॉरपोरेशंस का है, द ओपन डेटाबेस ऑफ द कॉरपोरेट वर्ल्ड, फ्री वेबसाइट है एलएलसीज को सर्च करने के लिए, कॉरपोरेशंस वगैरह को, हर चीज़ का, जितने बिजनेसेस हैं, ठीक है। आपको सिंपल बिजनेस एंटिटी हर काउंटी की या हर स्टेट की बिजनेस एंटिटी की वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहीं से इसको सर्च कर सकते हैं। इसके पास बहुत वास्ट डाटा है, ठीक है ना, आप बिला झिझक यहाँ पे अपना जितना भी एलएलसी का काम है वो इस वेबसाइट से इजीली जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। मींस के एलएलसी के ओनर की या उसका एजेंट्स जो उसका काम कर रहे हैं, जिनसे हम रब्ता करते हैं, ठीक है, ये उस चीज़ का आपको ओनर इन्फो देगा, एलएलसी की ओनर इन्फो, ठीक है। इस ओनर इन्फो के बाद यहाँ से आपको मेलिंग एड्रेस भी मिलेगा, आपको नेम भी मिल जाएगा पर्सन का जिससे हम कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद हम ट्रू गूगल सर्च पे जाके, जैसे सेम पिछला क्राइटेरिया स्किप ट्रेसिंग का, फ़ोन नंबर, एनी ईमेल वगैरह जो हम फाइंड करते हैं वो हम वहाँ से जाके करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी इसकी, बहुत सिंपल सी ये की वेबसाइट है, हर तरह की एलएलसी, एलपी है या लिमिटेड हैं या कॉरपोरेशन हैं, कंपनीज हैं, उनका डाटा आपको यहीं से मिल सकता है। तो अल्लाह खैर करेगा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।